श्री माता शरणम श्री अरविंद शरणम मु एलिना आज आम आलोचना करिबा कर्म और कर्मर फल विषय रे। कर्मर फल व्यक्ति को अवश्य भोग करने को पड़ता। कर्म फल कही रक्षा पाई नाही, कारण कर्मर गति बड़ गहन। उत्तम कर्मर फल सर्वदा उत्तम होता है एवं मंद कर्मर फल सर्वदा मंद ही होता है। आमे जेपरी बुणी थाउ सेपरी ही काटी थाउ। कर्म फल विधान विषय रे माँ लिखिचंती, आमे जहा किछि भल बा मंद कर्म करू ताहार सूक्ष्म चित्रण आमर अंतचेतनारे रही थाए। आम कर्मर सूक्ष्म रेखा गुड़िक आमर अंतचेतना उपरे अंकित तो होई चली थाए बा जमा होई चली थाए। जेते चतुरतार सहित चतुरता अवलंबन कले मध्य कर्मर रेखा लिभे नाही। वास्तवरे कर्मर फल मिलिबा अवश्यंभावी, ताहा आजि नहले काली निश्चय मिलिबा। केबे केबे आमको मन हुए जे आमे तो सर्वदा भल कर्म करुछु, तथापि आमको काहीकि दुख बा कष्ट भोगिबाकु पड़ुछि। स्थूल दृष्टिरे एपरी मध्य देखा जाए, किंतु वास्तवता हेला जे आम कष्ट बा दुखर कारण आम द्वारा करा जाइथिबा भल कर्म किंबा खराब कर्म ही होइथाय। एही संबंधरे गोटे कथा कहिबा। कथाटी हेउछि, थरे देवर्षि नारद भगवान विष्णु को भेटिबा पई वैकुंठरे पहुँचिले। भगवान विष्णु को वंदना करी कहिले, भगवान आजिकाली पृथ्वी रे कर्मफल विधानर विपरीत परिणाम देखिबा को मिलुछि। मते पृथ्वी उपरे किछि एपरी घटना देखिबा को मिलिछि जहा जको मते प्रकृतरे बड़ विस्मित अनुभव हेउछि। भगवान विष्णु पचारिले, नारद आपण एपरी केउ घटना देखिछन्ति, कृपा करी मते विस्तार करी कुहंतु। नारद कहिले, भगवान मु थरे पृथ्वी उपरे भ्रमण करूथिली, गोटिए गाई गभीर कादुओ मध्यरे फसी जाइथिला एवं चेष्टा करी सुधा बाहर को बाहरी पारुनथिला। सेतेबेले मु सेही बाटरे गोटे चोर जाउथिबार देखिली, जिए कि गाई को सहायता करी बाहर को काढ़ीबा तो दूरर कथा, बरम गाईर शरीर उपरे पाद रखी कादुओ रास्ता पार होइगला, जहा फळरे से गाई कादुओरे आहुरी अधिक फसीगला। जेतेबेले से चोर आग को जाइछि, सेतेबेले वृक्ष तले ताको सुन्ना मोहर भर्ती होइथिबा एक थळी प्राप्त हेला, जहा को प्राप्त करी से बहुत खुशी होइगला। पुणी मु सही मार्गरे जने साधु पुरुष जाउथबार देखिली, तांकर नजर मध्य कादुओरे खसी रहिथिबा गाई उपरे पड़िला। गाईर एपरी अवस्था देखि तांको हृदय करुणापूर्ण होइगला। से तुरंत कादुओरे प्रवेश करी गाई को साहाज्य करिबाकु उद्यत हेले। शेषरे अत्यंत परिश्रम करी गाईटिकु कादुओरु बाहर कले। गाई को बाहर करिबा परे जेतेबेले से आग को बढ़िले, सेठारे थिबा एक पत्थर रे तांका पाद धक्का खाइला एवं से तले पड़िगले, जहा फल मुंडरे गभीर आघात लागला। नारद कहिले, प्रभु एपरि अनर्थ काहिकि ओ किपरि हेला? चोर को सुना मोहर मिलला ओ गाय को साहाज्य करथिबा साधु पुरुषंकर मुंड खंडिया होइगला, एपरि काहिकि? भगवान विष्णु कहिले, नारद अतीतरे करिथिबा एक शुभ कर्म कारण चोर को सुना मोहर मिलला, किंतु ताहाठारु अधिक किछि ताको प्राप्त होई पारि नथंता। किंतु से साधु पुरुषंकर प्रारब्ध कर्म कारण जंगल रे तांकर आजि मृत्युर जोग थिला, जहाकि गाय को साहाज्य करिबा कारण ताहा टळी गला।
ଏଇଥିରୁ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ମିଳେ ଯେ ଆମ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା ଶୁଭକର୍ମ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ କେବେ ନିଷ୍ଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ ବା ବ୍ୟର୍ଥ ହୁଏ ନାହିଁ। କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପରେ ତାହାର ଫଳ ଆମକୁ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆମେ ସର୍ବଦା ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ହିଁ କରିବା, ଶୁଭକର୍ମ ହିଁ କରିବା। ସେଇ ପୁଣ୍ୟକର୍ମର ଶୁଭକର୍ମର ମିଠା ଫଳ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମକୁ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଚାଲି ଶୁଭକର୍ମ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ରହିପାରିବା, ଆନନ୍ଦିତ ରହିପାରିବା। କାରଣ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, କେବଳ ଆଉ କେବଳ ଆମ କର୍ମ ହିଁ ଆମକୁ ସୁଖୀ କରିପାରେ, ଆନନ୍ଦ କରିପାରେ। ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ।